माय हीरो एकेडमिया इस एंडिंग इतना हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा एपिलॉग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और एपिलॉग का मतलब क्या है, जो फाइनल आर्क होता है वो खत्म होने के बाद जो रिवील प्रोसेस वगैरह चलता है और उसके बाद जो दो तीन एपिसोड दिखाता है फिर पैक कर देता है ना, दैट्स एपिलॉग फॉर यू। तो एमएचए के अंदर फिलहाल एपिलॉग स्टार्ट हो चुका है और फिर हम लोग कुछ चैप्टर देखने वाले हैं, इसके बाद मोस्ट लाइकली एमएचए खत्म होने वाला है। बट इसके साथ साथ हमारे सामने न्यू चैप्टर के अंदर कुछ ट्विस्ट आ गए जो देख के हम लोग को नहीं लग रहा है कि भाई इतनी जल्दी ये खत्म होने वाला है। लास्ट चैप्टर में डेकू का ये लुक देख के हम सब लोगों को लग रहा था कि ये टाइम स्किप फाइनली हो चुका है, बट गेस व्हाट, ऐसा कुछ नहीं है। डेकू जस्ट गॉट अ न्यू लुक। हां भाई, दैट्स अ काइंड ऑफ कटोरा कट, आई नो राइट, बट इसके पीछे रीजन हम लोगों को इस चैप्टर ने बता दिया है। तो चलो पूरे चैप्टर के बारे में बातचीत स्टार्ट करते हैं। तुम में से जितने लोगों ने अभी तक एमएचए मांगा रीड नहीं किया बट सीजन 6 तक एमएचए देख के रखा है, तुम लोग मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। यहां पर मैंने सीजन 7 से लेके लेटेस्ट चैप्टर तक सब कुछ एक्सप्लेन करके रखा है अबाउट द फाइनल वॉर। तो चलो अभी हम लोग चैप्टर 425 के बारे में बात करते हैं, बट इससे पहले लास्ट चैप्टर में क्या हुआ थोड़ा याद दिला देता हूं। लास्ट चैप्टर में हम लोगों को पता चला डेकू फिर से क्वार्कलेस बन गया, उसके अंदर जो एम्बर्स है वो खत्म हो चुका है, बस थोड़ा बहुत बाकी है। मतलब डेकू अपनी जर्नी जैसे स्टार्ट किया था क्वार्कलेस, वैसे ही वो फिलहाल बन चुका है। और ये सुन के बाकू को बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और एकदम रोने लगता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड दैट वाज एक्चुअली सैड। और उसके बाद ऑल माइट दोनों की तारीफ करता है और बोलता है ये वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ, वी हैव टू गो बियॉन्ड। और इसके साथ साथ लास्ट चैप्टर खत्म होता है आगे। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी स्टार्ट हो चुका है, इट्स ऑल अबाउट आवर बिग थ्री। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिरियो, निजिरी एंड तमाक। ये तीनों के तीनों ग्रेजुएट हो चुके हैं, बिकॉज हम लोगों को पता है ये तीनों थर्ड ईयर स्टूडेंट्स थे और हमारे डेकू और बाकी सब लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। आगे हम लोगों ने कुछ स्वीट क्यूट मोमेंट्स देखे अबाउट निजिरी एंड बाकी सबके रिएक्शन। आगे हम लोगों ने देखा हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेकंड ईयर में चले गए एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट थर्ड ईयर में चले गए। फिर आगे हम लोगों को पता चला बिग थ्री में निजिरी एंड तमीको जब बहुत ज्यादा बीटअप थे, पूरे टाइम इन दोनों का ध्यान रखा मिलियो ने अकेले, रीजन व्हाई ही इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर ऑफ एमएचए। आगे हम लोगों को पता फाइनल बैटल के बाद जापान का हाल कैसा हो गया था, पूरा डिस्ट्रक्शन एक अलग ही लेवल पर था। तो इसको रिबिल्ड करने के लिए बाकी सारे अलग अलग कंट्रीज से रिक्वेस्ट किए, लोगों को बुलाए, हीरोज को बुलाए। तो कुल मिला के यहाँ पर बहुत सारे चीज रिबिल्ड करने के, लोग, हीरोज, इन सबके साथ साथ मेडिकल के, फिर इन सबके बाद जो कोस्ट आता है वो भी बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज मिलकर जापान की मदद की। और ये पॉसिबल हुआ वन एंड ओनली प्रिंसिपल नेजु की वजह से, बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ वर्ल्ड वाइड रिनोन। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज को प्रेशर किया जापान की मदद करने के लिए। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल नेजु है इनका काम में ज्यादा फोकस कर रहा है बैटल के बाद जो काम है उनके ऊपर ध्यान देना, बिकॉज बैटल तो खत्म हो जाता है, ये खत्म होने के बाद एक कंट्री डिस्ट्रॉय होकर रह जाता है, उसको रिस्टोर करने का जो प्रोसेस है वो नेजु की मदद से स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वो अलग अलग कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डालता है और वो लोग मदद करने के लिए आता है। तो ऐसे अभी जापान फिर से रिबिल्ड हो रहा है। फिर आगे हम लोगों ने देखा बिग थ्री से एक एक करके आके अपना फाइनल स्पीच देके जा रहा है, बिकॉज इसके बाद ये लोग यहाँ से लीव लेंगे। और फिर आता है स्पीच देने के लिए मिरियो और सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई जोक बोलने वाला, बिकॉज मिरियो इज अ जोक स्टार, दैट्स द रीजन व्हाई पीपल लाइक हिम सो मच। बट यहाँ पर मिरियो मजाक करने के बदले वो सीरियस स्पीच देता है, जिन लोग बाहर से जापान की मदद करने के लिए आए उनको थैंक यू बोलता है वो। मिरियो आगे बोलता है हम लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है और इसके बदले हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। मिरियो बोलता है हीरो का बैटल कभी कभार ऐसा भी होता है कि माइनस से उसको जीरो मिलाने का, बिकॉज द जीरो इज एक्चुअली बेटर देन द माइनस। यहाँ से तो हम लोग कुछ गेन नहीं करते बट हमारे जो नुकसान होता है वो एटलीस्ट फिक्स हो जाता है। तो आगे मिरियो ने सारे के सारे लोगों को थैंक यू बोला जिन लोगों ने जापान की मदद की। फिर आगे मिरियो बोलता है ए वर्ल्ड विदाउट ह्यूमर हैज नो ब्राइट फ्यूचर। तो यहाँ पर रियल डील है लोगों को स्माइल करते रहना चाहिए। इसके बाद लोग जिसके लिए वेट करता है मिरियो वही करता है। मिरियो बोलता है वॉच मी आउट और चुटकी बजाता है और वो अपने बॉडी से एकदम से बैनिश हो जाता है, एंड दैट्स द मोमेंट जिसके लिए सारे के सारे लोग वेट करते हैं। मिरियो वहां पर अगेन कॉमेडी कर देता है भाई। इन सब के बाद आगे हम लोग देखते हैं सेकंड ईयर का क्लास स्टार्ट होता है और आइजावा फिर से उनका क्लास टीचर रहता है, जो देख के सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। एंड बाकोगो फैंस, यहाँ पर बाकोगो कंप्लीटली चेंज हो चुका है यहाँ पर, बिकॉज बाकोगो पहले से हरकतें नहीं करता है, एकदम से मैच्योर लगता है और काम एंड शांति से रहता है, विच इज अनबिलीवेबल, वी नो राइट। बट यहाँ पर लास्ट चैप्टर में बाकोगो रोने के बाद से एकदम से बदल चुका है। तो ये मांगा खत्म होने से पहले बाकोगो के अंदर जो एटीट्यूड का चेंज आना ये मेरे को अच्छा लगा। इन सबके बाद हम लोगों को पता चलता है आओयामा स्कूल को छोड़ने वाला है। अभी उसके सारे के सारे फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं छोड़ने की जरूरत नहीं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आओयामा बोलता है उसने यूए को ज्वाइन किया बिकॉज ऑल फॉर वन ने उसको ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर आओयामा बोलता है यहाँ पर मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं ये सारे के सारे सेरेमनी फिर बाकी सारे इवेंट्स को मैं अटेंड करूं, बिकॉज यहाँ पर स्कूल में मैं अपने बल पर नहीं आया, ऑल फॉर वन ने मेरे को यहाँ पर लेकर आया। यहाँ पर हम लोगों को पता है वो ऑल फॉर वन के लिए काम करता था, डरता था एंड बाकी सब कुछ अभी फिलहाल ठीक हो चुका है, बट डीप डाउन आओयामा स्टिल बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता उसके लिए। तो फॉर दैट रीजन उसने सोचा कि वो यहाँ से बाहर जाने वाला है एंड इन फ्यूचर वो एक बढ़िया हीरो बनने की कोशिश करेगा अपने आप से, किसी की मदद से नहीं। तो आओयामा यहाँ पर हम लोगों को छोड़ के जा रहा है। ये मोमेंट थोड़ा बहुत इमोशनल था, बट इसके साथ साथ हम लोगों को एक न्यूज मिलता है कि हमारे क्लास में एक नया मेंबर भी आ रहा है, एंड दैट्स नन अदर देन शिनसो। यस, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर भाई, सो इट्स अ बिग विन फॉर अस। फिर आगे हम लोग देखते हैं वो जो इनविजिबल गर्ल है ना, उसकी क्वार्क
थोड़ा बहुत ग्लिच करता है एंड वो सब लोगों के सामने आ जाती है। और उसको देख के तो जिराया का बेटा बोलता है हाँ क्या माल है। फिर इन सब के बाद आगे हम लोगों को पता चला है जो सेकंड एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग रिकंस्ट्रक्शन में मदद करने वाले हैं। आगे हम लोगों को पता चलता है अबाउट ऑल माइट्स रिटायरमेंट की वो एकदम से कम्प्लीटली सब कुछ छोड़ रहा है। फिर इन सब के बाद हम लोग तोदुरुकी को देखते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुका है और वो बोलता है द लैक ऑफ सिंबल ऑल फॉर वन वॉज बॉर्न अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर बता रहा है ऑल माइट अभी फिलहाल रिटायर हो चुका है, जो सिंबल है पीस का वो नहीं है हमारे सामने। और जो हमारा विलन ऑल फॉर वन था वो ऐसे सिमिलर सिचुएशन में पैदा हुआ था भाई, जहाँ पर कोई पीस का सिंबल नहीं था। तो इस साइड से हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कोई और विलन यहाँ पर पैदा हो सकता है इन फ्यूचर, बिकॉज फॉर नाउ पीस का जो सिंबल है वो हमारे सामने नहीं है। एंड ऊपर से हम लोगों को पता है डिक को लॉस्ट हिज क्वार्क वन फॉर ऑल। इवन तो सब लोग तो यहाँ पर आइडिया लगा रहे कि मांगा यहाँ पर खत्म होने वाला है, बट आगे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो होने का चांसेस है भाई। इन सब के बाद आगे हम लोग फाइनली उरारका एंड डेको के बीच में कन्वर्सेशन देखते हैं। उरारका वाज टॉकिंग अबाउट डेकोस हेयर और हम लोगों को पता चलता है डेको के सर पे एक सर्जरी हुआ था जिसकी वजह से उसको एक साइड में जितने बाल थे सब काटा गया, तो इसको कटोरा कट बुलाना बंद करो यार। और इन सब के बाद हम लोग देखते हैं सीन को चेंज होती है और सडनली हम लोग देखते हैं एक बंदे को रोते हुए कहीं पर जा रहा है। उसका पूरा फेस हम लोग को दिखाता नहीं, बट इट्स मोर लाइक तोमुरा शिगाराकी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये तेंको शिगाराकी है, मतलब यहाँ पर हम लोगों को पता है तोमुरा तेंको दोनों एक है, बट तोमुरा इज लाइक द एविल वन, बट तेंको वाज द इनोसेंट वन जिसको एविल बनाया गया। और यहाँ पर हम लोगों को पता है फाइनल बैटल के अंदर डेको का एम किया था तोमुरा को मारना नहीं, उसके अंदर से जो तेंको है उसको बाहर निकालना था। तो अभी तक यहाँ पर इतने हम लोगों को दिखाया कि ये बंदा रोते हुए कहीं पर जा रहा है, आगे जाके घर को दिखाता है भाई, और घर से ये बात कंफर्म हो जाती है कि इट्स वन एंड ओनली तेंको ब्रो। और ऊपर से हम लोगों ने पता है डेको अपने क्वर्क को पास डाउन कर दिया, अगर ये सच्ची में तेंको हुआ तो उसके अंदर पोटेंशियली वन फॉर ऑल है। दिस कुड बी द अपॉर्चुनिटी कि डेको को अपना पावर दोबारा वापस मिले। फिर आगे हम लोग देखते हैं डेको तोदुरुकी को समझाने के लिए जाता है, बट तोदुरुकी वहां पर बोलता है डोंट वरी। तो बेसिकली यहां पर तोदुरुकी जो है वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्बड है, बिकॉज़ हम लोगों को पता है फाइनल बैटल के चलते उसको सब कुछ सच पता चल गया उसके बाप के बारे में, उसके भाई के बारे में, और फिलहाल तोदुरुकी का अपना भाई स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज्यादा। यहां पर तोदुरुकी सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड बंदा है फॉर नाउ, उसको बहुत सारी चीजों के साथ अकेले डील करना पड़ रहा है। लास्ट पैनल में हम लोगों को दिखाया जाता है एंडेवर वहां पर बैठा है और सामने शायद डाबी है जो लाइफ सपोर्ट में, और नैरेटर कमेंट करता है द तोदुरुकी फैमिली फेसेस। तो बेसिकली यहां पर लास्ट में इट्स ऑल अबाउट एंडेवर एंड डाबी, बाप बेटा का जो प्रॉब्लम हुआ था वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद एंडेवर। यार उसने बहुत ज्यादा पकाया, बट आई होप कि फाइनली सब कुछ फिक्स हो जाए, डाबी के साथ बातचीत कर ले, सब कुछ सॉल्व कर ले, और फिर जाके डाबी लाइट अप मूड में आ जाए और सारे के सारे एक साथ एक अच्छा एंडिंग हो भाई। तो पूरे चैप्टर से हम लोगों को पता चलता है एंडेवर एंड डाबी कन्फ्रंटेशन, उसके बाद पोटेंशियली शायद तेंको वापस आ चुका है, एंड हियर आई फील लाइक मिरियो विल टीच डेको हिज टेक्निक्स कि कैसे तुम एक क्वर्क के बिना हीरो बन सकते हो, बिकॉज हम लोगों को पता था मिरियो के पास कोई क्वर्क नहीं था, बट स्टिल उसने गिव अप नहीं किया, वो कॉन्फिडेंस के साथ फाइट किया। और अभी फिलहाल डेको के पास भी क्वर्क नहीं है, डेको जैसे स्टार्ट किया था उसका एंडिंग वैसे ही हो रहा है, तो मिरियो एंड डेको दोनों एक साथ जाते इजीली। बाकी हम लोगों को पता चलता है एमएचए एक एक्सटेंडेड ब्रेक में जाने वाला है, तो नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा किसी को नहीं पता। बेसिकली यहां पर राइटर एक हैप्पी एंडिंग के बारे में भी शायद सोच रहा है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द एंड नाउ, फाइनल बैटल तो खत्म हो चुका है, बाकी कैरेक्टर के साथ कैसे क्या करेंगे ये राइटर के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहां पर मैं बोलूंगा इट्स टू अर्ली, बिकॉज अभी सेकंड ईयर में वो लोग गए, फिर थर्ड ईयर वहां पर है, आगे बहुत सारे चीजों के बारे में स्टिल क्लियर नहीं हुआ हमारे सामने, बट चलो अगर राइटर डिसाइड करते हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आज के लिए तो चैप्टर में यही था, और बस मैं एमएचए मांगा को कवर कर रहा, तुम लोग कमेंट देखने के बाद लास्ट वीडियो के बाद सब लोग यस 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 कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो भाई कवर कर ही लेते हैं। बाकी इंडियन ऑडियंस एमएचए बहुत कम ट्राई करता है, तो व्यूज एंगेजमेंट वगैरह सब कुछ कम मिलते हैं, तो मैं बोलूंगा प्लीज यार लाइक बटन जरूर दबाना और एक कमेंट जरूर करना, और चाहो तो तुम लोग अपना ओपिनियन भी दे सकते हो, बिकॉज द एंटायर वीडियो इज फॉर यू गाइस। चलो नेक्स्ट चैप्टर जब भी आएगा मेरी वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।